नमस्कार, बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और इस समय हम नेशनल हाईवे के जखनी चौक पर खड़े हैं। आपको बताते चले कि पिछले 16 तारीख जो शुक्रवार था, तब से जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है वो शुक्रवार के दिन जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी भी गाड़ी को ना घाटी जाने की इजाज़त दी जाएगी और ना घाटी से जम्मू की ओर आने की इजाज़त दी जाएगी। इस समय भी हम जखनी चौक पर हैं और गाड़ियों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी हिम्मत सिंह जी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पूरी सिचुएशन को संभाल रहे हैं और क्या एडवाइजरी जारी होने के बाद भी जो है दिक्कतें नहीं आ रही। जी सर, जिस तरह से देखा जाए शुक्रवार के दिन जो है नेशनल हाईवे को बंद करने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पब्लिक फिर भी नेशनल हाईवे पे आ रही है, किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? काफ़ी सारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसके ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को कन्वे किया जाता है कि हर फ्राइडे को 16 तारीख के बाद 23 और आगे वाला जितने भी फ्राइडे होंगे नवंबर के आखिर तक मेंटेनेंस, हाईवे मेंटेनेंस का काम जारी है। लोगों से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की और बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलरली जिस दिन मेंटेनेंस का डे है उस दिन हाईवे को अवॉइड करें, हाईवे पर ट्रेवल ना करें। देखिए लोग कोई ना कोई बहाना, किसी का कोई ना कुछ रीज़न देकर कि जाना है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि डायरेक्शन जो है सीनियर फॉर्मेशन से उनको हमें इम्प्लीमेंट करवाना है, और क्योंकि हाईवे मेंटेन रहेगा तभी स्मूथ जो ट्रैफिक है वो फ्लो कर पाएगा। कहना साफ है इनका कि हाईवे जो है अगर उसकी मेंटेनेंस रहेगी तो तभी जो ट्रैफिक है स्मूथली फ्लो कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं लगातार जो है वो नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करने के इंतज़ार में हैं। और इस समय भी हम जखनी चौक पर देख सकते हैं पूरी तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, गाड़ियाँ भी पूरी तरह से खड़ी हुई हैं और कोई ना कोई बहाना, जिस तरह से डीएसपी साहब ने बताया कि क्योंकि कोई ना कोई बहाना लेकर लोग जो हैं वो ट्रैवल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है और आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हमारी तरफ से भी लोगों को सही यही अपील रहेगी कि जो एडवाइजरी जारी की गई है नवंबर के आखिर तक जितने भी शुक्रवार आते हैं उन शुक्रवार को लोग जो हैं नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करने से परहेज करें और प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए बहुत स्वस्थ।